Hello everyone, good morning. और Elkwater में बहुत ही खूबसूरत सुबह रात अच्छी गुजरी. अब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद Cypress Hills प्रोविंशियल पार्क को एक्सप्लोर करते हैं. तो मैंने ऑर्डर किया ऑमलेट, वेजी ऑमलेट विद मशरूम, हैलापेनोस एंड टमेटोस. लुक्स यम्मी, हैश ब्राउन्स और टोस्ट के साथ आया और इसके साथ कॉफ़ी है और बाकी जैम वगैरह. तो ट्राई करते हैं कैसा. वेरी गुड. सो नाश्ता कर लिया, बड़ा मज़े का था. और यहाँ से अब ऊपर चलता हूँ, रूम में पैक करता हूँ सारा कुछ और लोड करते हैं अपनी बाइक पे और निकलते हैं यहाँ के ट्रेल्स वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए. सामान पैक हो चुका है और रेडी हूँ निकलने के लिए. लेकिन उससे पहले एक टूर इस होटल की लॉबी का दे दूँ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का एंड आई हाईली रिकमेंड दिस. किसी तरह से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. यहाँ से आप ई बाइक्स भी रेंट कर सकते हैं साइप्रस हिल्स को एक्सप्लोर करने के लिए. और उसके अलावा रूम आपको मैंने दिखा दिया था और सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं से किया. तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. अब निकलते हैं आगे. तो एल्कवाटर में फ्यूल फुल कर लिया क्योंकि इससे आगे कोई और गैस स्टेशन नहीं है. यहाँ पर वैसे तो मेरे पास तकरीबन फुल ही था, मेडिसिन हेड से फुल करवाया था, सिर्फ एक दो लीटर ही पड़ा. लेकिन उसके बावजूद आगे डर्ट रोड्स हैं बहुत देर तक और कोई टाउन नहीं है, तो इसलिए इसको अभी से फुल करा लिया है और चलते हैं आज के एडवेंचर पे. टुडे इज़ गोना बी अ वेरी गुड डे क्योंकि आज सावी के मतलब की सड़कें हैं. जिस तरह पहले हमारे साथ हो रहा था कि हाईवेज पे हम चल रहे थे और हाईवेज जो हैं वो काफ़ी ब्रूटल होती हैं मोटरसाइकिल के लिए, क्योंकि जो है विंड उसमें काफ़ी आती है और ओवरऑल एडवेंचर बाइक्स हाईवेज के लिए नहीं बने, क्रूजर्स बने हैं. तो ये एडवेंचर बाइक है इसलिए खुश होगा आज. और चलते हैं हम, फर्स्ट स्टॉप हमारा रीसर लेक होगा. वाव, खूबसूरत एल्कवाटर, अच्छी जगह है. और कल रात को मैं पढ़ रहा था कि जो एल्कवाटर है इसकी एलिवेशन ऑलमोस्ट सेम है बैंफ जैसी. तो यकीन नहीं आता कि एक जगह रॉकीज़ में है और वो भी सेम एलिवेशन पे और ये सिर्फ हिल्स हैं और उनकी एलिवेशन भी वही है. कुछ देर तक ये पेव्ड रोड है और आगे फिर डर्ट ट्रैक स्टार्ट हो जाएंगे. इस एरिया में वाइल्ड लाइफ के अलावा कैटल भी रोड के ऊपर है, तो ज़रा ध्यान से चलाना होगा. स्पीड बहुत तेज़ इसलिए नहीं कर सकते और वैसे भी बंदा एंजॉय करता जाए, तेज़ स्पीड में इतना एंजॉय नहीं होता, उससे ज़्यादा एंजॉय होता है इस तरह आराम आराम से चलते चलते. तो
हाई प्लेन्स अल्बर्टा के काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर बिल्कुल सीधा मैदान है, तो प्लेटो है जो सबसे हाईएस्ट प्लेटो मैंने ज़िंदगी में देखा है वो देवसाई प्लेन्स से। उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था तो काश बनाया होता, क्योंकि उस जगह का मुकाबला नहीं है। जो कुछ कर लें, आज तक मैंने पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी का मैच नहीं देखा कहीं पे। ठीक है, ये भी खूबसूरत जगह है, लेकिन वो बहुत ही हाई प्लेन्स हैं, दुनिया के हाईएस्ट प्लेन्स में से एक हैं, और पहाड़ भी बहुत ऊंचे हैं। यहाँ रॉकीज़ भी उतने ही ऊंचे नहीं हैं। ये देखें, ये गायें वगैरह यहाँ फिर रही हैं और ये रोड पे भी आ सकती हैं, तो ठीक है, ज़बरदस्त मज़े का देहाती माहौल है। वाओ वाओ अमेजिंग, ये लुकआउट पॉइंट चेक करें, अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर की कितनी फोर्स होती है। तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जब कवर्ड था लास्ट आइस एज में ग्लेशियर्स के साथ, तो वो जो एरिया है जिसको आजकल हम प्रेरी कहते हैं वो प्रेस डाउन हुआ हुआ था और ये अनटच था, तो इतनी ज़्यादा एलिवेशन गेन हो गया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर आइस का प्रेशर नहीं था। तो अमेजिंग, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। वहाँ पे एक लेक नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से रीज़र लेक है, और सामने प्रेरी लैंड, तो बेहतरीन। आगे चल के रुकते भी हैं जहाँ से फ़िलहाल ये व्यू देखते जाते हैं। मैं हूँ इस टाइम रीज़र लेक के ऊपर, और ऊपर से जो लास्ट हमने देखा था एक लुकआउट, तो उससे पता चलता है कि प्रेरीज़ में कितनी खूबसूरत जगह छुपी हुई है। और अंदर आके ये रीज़र लेक बहुत ही खूबसूरत है, और सुबह का टाइम बिल्कुल खामोशी है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और सिर्फ मैं और सावी हैं, और बेहतरीन, बहुत मज़ा आ रहा है। बटरफ्लाइज वगैरह उड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वाओ, जस्ट सिंपली अमेजिंग। तो रीज़र लेक से निकल रहे हैं, अच्छी खूबसूरत लेक है। इस लेक में प्रोपेलर वाली बोट्स अलाउड नहीं है, पीछे उसका साइन लगा था, तो
बाकी फिश काफ़ी नज़र आ रही है। तो प्रोविंशियल पार्क्स का अल्बर्टा का परमिट अगर आपके पास फिशिंग का हो तो मेरे ख्याल से यहाँ फिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि नो फिशिंग का कोई साइन नहीं है। ये डक्स और खूबसूरत लेक, यहाँ पे फिशिंग कर भी रहे हैं लोग और फिश पकड़ ही लेंगे, क्योंकि जितनी फिश जंपे मार रही थी। वाओ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये पिकनिक स्पॉट बहुत बेहतरीन है। ये रीज़र लेक का डॉक, यहाँ से ये डॉक बना रहे हैं अभी, तो मेरे ख्याल से बोट्स वगैरह इसके बाद इसमें लॉन्च करने की ऑप्शन होगी। चेक करें यार, क्या खूबसूरत रोड है ये। ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो है ना किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हैं, तो बिल्कुल कोई ट्रैक नहीं है, कोई ऑफ रोड नहीं है, कुछ नहीं है। डर्ट रोड, ये उसी रीज़र लेक का दूसरा एंड है। और क्योंकि यहाँ धूप सामने से पड़ रही है तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। वहाँ पे दूसरी साइड पे धूप थी तो इसलिए लेक इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन बहुत ही प्यारी लेक है। तो इस लेक के पानी की हेल्थ एडवाइजरी लगी हुई है ब्लू ग्रीन एलजी की, तो इसलिए पानी इतना साफ नहीं है लेकिन देख के बहुत ही खूबसूरत लगती है लेक। तो यहाँ से फोर्ट वॉल्श सिर्फ 28 किलोमीटर है। वो एक हिस्टोरिक फोर्ट है नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस का, जो कि अब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। और इस ट्रैक की मैं बात कर रहा था, इस तरह के ट्रैक्स हैं जो जाते हैं। तो ज़बरदस्त, आज एक एडवेंचर होने लगा है। इस तरह के ऑफ रोड ट्रैक्स पे अमूमन लोग अपना ABS ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि उससे ट्रैक्शन बेहतर हो जाती है और ब्रेक लगे तो स्किड नहीं होता। क्योंकि रोड पे ABS आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऑफ रोड पे अच्छा नहीं है। लेकिन होंडा में ये फीचर नहीं है, तो CB500X में ABS आप ऑफ नहीं कर सकते, ABS मौजूद है इसमें।
वाइजर बंद कर लेता हूँ क्योंकि कीड़ा उड़ के आया मेरे हेलमेट के अंदर। यहाँ पे कॉर्नर्स बिल्कुल ही ब्लाइंड हैं और सड़क इतनी तंग है। होपफुली कि कोई स्पीड में कोई ट्रक या गाड़ी नहीं आ रही होगी सामने से। तो ये जो हिल्स हैं ये इरोड हो रही हैं हर साल हवा पानी इसकी वजह से, तो बहती जा रही हैं क्योंकि इर्द गिर्द की ज़मीन नीचे है और ये ऊपर है, तो पानी वगैरह का बहाव जब होता है तो इस तरह की फिर वैलीज़ वगैरह बन जाती हैं। मेरे ख्याल से ये इसकी खूबसूरती में और इजाफा करती हैं। नीचे हमारे एक क्रीक है बहुत खूबसूरत, सरप्राइजिंग चीज़ है कि ये बैटल क्रीक जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती है ऑल द वे पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके, और इसके साथ रॉस क्रीक है वो जो है हडसन बे में ड्रेन होती है नॉर्थ की तरफ। तो एक पानी साउथ में जा रहा है पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करता है और एक नॉर्थ में जा रहा है। तो एक कागज़ की कश्ती आप एक क्रीक में डालें यहाँ पर और एक दूसरे क्रीक में डालें, दोनों थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर एंड अप होंगी बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। अमेजिंग। और मुसलसल ये एरिया जो है इरोड हो रहा है उसकी इरोजन की वजह से, और ये वैलीज़ बनी है तकरीबन जो ग्लेशियर का पानी जब पिघला था तो उसके वाटर रन ऑफ की वजह से। Impassable when wet. तो आज अगर कोई कीचड़ हुई तो हमें परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी अपने बाइक की। आज तो सही किस्म का ऑफ रोड ट्रैक आया है। आज सावी की परफॉर्मेंस का सही पता चलेगा कि हमारा सीबी 500X कैसे परफॉर्म करता है। अभी तक तो मुझे इसमें इम्प्रेस ही किया है। काउज हेलो, गायें देख रही हैं। अमेजिंग, जगह बहुत ही खूबसूरत है और ट्रैक भी बहुत ही मज़े का है ऑफ रोड का।
ओके कीचड़ आ गई जी, किस साइड से गुजरना चाहिए? वेलकम टू सस्कैचुआन। तो हम सस्कैचुआन में एंटर हो गए हैं। वेलकम टू साइप्रस हिल्स इंटर प्रोविंशियल पार्क।